हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आइडलर एक्सपेरिमेंट। सो दोस्तों फाइनली मेरे बगल में खड़ा है ट्रायम्फ स्पीड 400 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बाइक्स इन इंडिया, क्योंकि बहुत लोग ट्रायम्फ ब्रांड को जानते हैं, बहुत लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दिस इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी, फॉर इट्स प्रीमियम बाइक्स। बट सिंस उन्होंने बजाज के साथ कोलैबोरेट किया है एंड ये स्पीड 400 निकाला है, सो दे हैव मेड इट वेरी इकोनॉमिकल। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि मैं भी इससे पहले ट्रायम्फ का ओनर रह चुका हूं। सो आई हैव रोड ट्रायम्फ टाइगर 900 फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मुझे पता है कि ट्रायम्फ किस तरह का क्वालिटी, किस तरह का फिट एंड फिनिश वो प्रोवाइड करते हैं। सो चलिए इस बाइक को हम एक क्लोज लुक देते हैं और हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने कहाँ पर कहीं कॉस्ट कटिंग किया है या नहीं किया है एंड वेदर द नेम ट्रायम्फ फॉर दिस बाइक, the brand name of Triumph for this bike still remains intact or not. So guys, अगर हम इस बाइक को एक क्लोज लुक दें और फ्रंट सेक्शन से शुरू करें, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अलॉय व्हील्स है, यहाँ पे क्रॉस अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं एंड जो फ्रंट मडगार्ड है उसका जो यहाँ पर कवरिंग, जिस तरह का कॉस्मेटिक यहाँ पर दिया हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये कम्प्लीट फाइबर है, सो ये भी फाइबर है, सो ये लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टायर्स यहाँ पर हमको अपोलो के मिलते हैं, अपोलो के टायर्स देख कहीं ना कहीं एक कॉस्ट कटिंग किया गया है, बट अपोलो के टायर्स भी ऐसे कुछ ख़राब नहीं है। कंफर्ट के लिए यहाँ पर अपसाइड डाउन फोर्क्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, सो दैट एड्स टू द लुक। ये गोल्डन फिनिश इन एन अपसाइड डाउन फोर्क लुक्स रियली गुड। अब अगर हम थोड़े पीछे की ओर आए, सो यहाँ पर इनका जो ये बेंट पाइप है, टिपिकली वो आपका जो BA6 कैट कन्वर्टर, कैटलिटिक कन्वर्टर्स एंड फिल्टर्स को छुपाने के लिए यहाँ पर भी एक उन्होंने स्टेनलेस स्टील का प्लेट दिया हुआ है, वो एक्सटेंड होता है पीछे की ओर। और यहाँ पर ये सिंगल मफलर दिया हुआ है, मफलर के ऊपर भी जो पीछे बैठ रहे हैं अगर वो पैर रखते हैं सो वो स्क्रैच ना हो, सो उसके लिए यहाँ पर एक और कवर भी दिया हुआ है। राइडर के एंड से यहाँ पर बॉडी में टच नहीं हो उनके हील्स, सो यहाँ पर एक हील प्रोटेक्टर भी दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे फिनिशिंग बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, विच इज़ टिपिकली फाउंड इन ट्रायम्फ बाइक्स। इंजन के ऊपर ट्रायम्फ के बैजिंग, यहाँ पर एक 400 सीसी का बैजिंग दिया हुआ है TR सीरीज एंड यहाँ पर उन्होंने एक सब कवर किया हुआ है। जो भी आपके वायरिंग है या तो जो भी आपके कनेक्शंस हैं उसको बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एल्यूमिनियम प्लेट से एंड फाइबर से जितने भी वायरिंग है उस सबको कवर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक स्टेनलेस स्टील का एक और पीस मिलता है, सो दिस लुक्स वेरी गुड। यहाँ पर ये इंजन का कम्प्लीटली एक ट्रायम्फ का टिपिकल इंजन वाला आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर आपको पूरा देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन की अगर बात करें, सो दिस इज मोनो सस्पेंशन एंड फुटपैक रबर की अगर बात करें, सो फुटपैक रबर पे भी आपको ट्रायम्फ के बैजिंग मिल जाते हैं। सो टिपिकली जैसा एक ट्रायम्फ बाइक होता है, जितने भी प्रीमियम रेंज के ट्रायम्फ बाइक्स होते हैं, जो DNA ट्रायम्फ का है वो इस बाइक में प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। अगर साइड पैनल की बात करें, सो साइड पैनल काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है आपका स्ट्रीट ट्विन के साथ, जो कि एक 900 सीसी का बाइक है, बहुत ही प्रीमियम बाइक है, लेकिन उसी की तरह यहाँ पर भी एक स्पीड 400 का बैजिंग दिया हुआ है एंड यहाँ पर एक ग्रिल दिया हुआ है। ऑफकोर्स दिस ग्रिल कुड हैव बीन ऑफ मेटल, बट यहाँ पर एक प्लास्टिक का ग्रिल दिया हुआ है, सो दिस ऑल्सो इज फाइबर। यहाँ पर भी उन्होंने टैंक और इस साइड बॉक्स को कवर करने के लिए यहाँ पर एक और फाइबर का पीस भी दिया हुआ है। टेल सेक्शन की अगर बात करें, सो आपको यहाँ पर एक LED टेल लाइट मिल जाता है। टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है बिकॉज इसमें जो एक बैंड टाइप का दिया हुआ है LED का, दैट लुक्स वेरी गुड। पीछे का जो ग्रैब रेल है वो कुछ इस तरह का है, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी है। सीट का अगर हम बैक पोर्शन देखें, सो यहाँ पर एक पिलियन राइडर के लिए यहाँ पर एक डिज़ाइन दिया हुआ है एंड देयर इज़ अ वेरी नाइस वाइट कलर स्टिचिंग। ट्रायम्फ का यहाँ पर एक लोगो पूरा प्रिंट है। इंडिकेटर्स की अगर बात करें, सो दीज आर LED इंडिकेटर्स, ये आपको थोड़ा बहुत KTM वाला फील ज़रूर दे सकता है। इस साइड में इंजन में भी आपको यहाँ पर एक ट्रायम्फ का बैजिंग मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये बैजिंग एंड यहाँ पर भी आपको एक 400 सीसी का एक बैजिंग मिल जाता है। सो गाइज, कुछ लोगों का मानना है कि ये जो 400 सीसी है, दिस इज़ द सेम 400 सीसी जो कि आपको डोमिनर में मिलता है बिकॉज ये बजाज के साथ कोलैबोरेट होके आ रहा है। सो बहुत सारे लोग शायद आपको ये कहेंगे कि इससे अच्छा आप डोमिनर ले लो या आप दूसरे KTM बाइक ले लो बिकॉज दिस इज द सेम इंजन। सो दोस्तों आप उनको काउंटर कर सकते हो, ये ऐसा नहीं है, दिस इज़ अ ऑल न्यू इंजन बिकॉज आप देखिए इसका जो चेन स्पॉकेट है, दिस इज़ ऑन द राइट हैंड साइड
एंड जितने भी अपने के टी एम्स हैं या तो डोमिनर है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में होता है चेन स्प्रॉकेट किट. सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ सेम इंजन में अगर आप उसको प्लेसमेंट को राइट या लेफ्ट चेंज कर सको. सो दिस इज़ अ ऑल न्यू इंजन डिज़ाइंड स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल स्पीड 400. सो आप इस इंजन को एटलीस्ट डोमिनर का इंजन नहीं कह सकते हैं. फ्रंट वाले सेक्शन की अगर बात करें तो ये जो टैंक है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है एंड नो डाउट आपके डेली कम्यूटिंग के लिए या तो आपके डेली राइडिंग के लिए या सिटी राइडिंग के लिए दिस इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल टैंक. बाइक में आपको वेट एकदम भी ज़्यादा फील नहीं होता है. ग्रिप्स की अगर बात करें तो ग्रिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के हैं. इसका जो मीटर है टिपिकली लाइक योर ट्रायम्फ मीटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इसमें मिल जाता है. इसमें भी आपको ट्रायम्फ का ब्रांडिंग एंड बैजिंग मिल जाता है. यहाँ पर हैंडल बार पे भी जो आपके हैंडल बार माउंट्स हैं उसमें भी आपको ट्रायम्फ के बैजिंग मिल जाते हैं. इनफैक्ट आपको हर जगह ट्रायम्फ का बैजिंग मिल जाता है. पेट्रोल टैप कैप ये हैंडल बार रेजर मीटर के अंदर ऑलमोस्ट हर जगह आपको ट्रायम्फ का ही मेंशन मिलता है. हेडलाइट्स आर सपोर्टेड विथ दिस काइंड ऑफ होल्डर्स एंड यहाँ पर भी आपको हेडलाइट के अंदर ट्रायम्फ का बैजिंग मिल जाता है. हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है इसका. ये DRL है एंड हेड डिपर. इसका लाइट का थ्रो भी मैंने चेक किया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. सीट की अगर हम बात करें तो सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है. अब अगर मेरा हाइट है 5'6" और मैं चलिए आपको बैठ के दिखाता हूँ कि मेरे हाइट के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है. सो माई लेग्स आर वेरी प्रॉपरली प्लांटेड एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें एक पोस्चर है. सो आपको थोड़ा सा भी फैटिक नहीं फील होगा. सो दोस्तों इस बाइक का और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ इसमें मुझे ये लगा कि ट्रायम्फ व्हेन दे आर लॉन्चिंग दिस बाइक व्हेन ये जब कस्टमर्स के पास जा रहा है दिस इज़ रेडी टू गो ऑन रोड बिकॉज इसमें ऑलरेडी जो प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज हैं ट्रायम्फ के एंड से आपको ऑलरेडी मिल जा रहे हैं. जैसे कि ये क्रैश गार्ड वी कैन नॉट से दिस इज़ अ लेग गार्ड बेसिकली बट एक तरह से इंजन गार्ड है. ये आपको ऑलरेडी मिल रहा है इसके साथ फ्री एंड आपको रेडिएटर गार्ड भी इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जा रहा है. सो विच इज़ अ वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम ट्रायम्फ्स एंड. सो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इस बाइक में अगर मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छा लगा वो है सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटा सा चीज़ विच इज़ द स्विच क्वालिटी. बट इस प्राइस रेंज में मैं कुछ ज़्यादा इस बाइक से डिमांड नहीं कर सकता. ये जैसा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बट ये जो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड स्विच असेंबली है और ये लीवर्स की क्वालिटी थोड़े और बेटर हो सकते थे. मिरर में मिरर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और ट्रायम्फ के सिग्नेचर जितने भी इनके बार एंड मिरर्स है सब इसी तरह के आते हैं. लेकिन इसमें भी अगर वो एक छोटा सा ट्रायम्फ का बैजिंग दे देते तो शायद ये मिरर और ज़्यादा अच्छा लगता. बट मोस्ट प्रोबेबली दे हैव नॉट डन दिस सो दैट इसको ट्रायम्फ के दूसरे मॉडल्स में कोई नहीं लगा ले. बट रेस्ट दिस बाइक इज़ कम्प्लीट. दिस बाइक इज़ वेरी गुड एंड मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस बाइक से. इसमें और कोई आई डोंट थिंक इसमें मैं इम्प्रूवमेंट या तो इसमें कोई कंप्लेन मैं इस बाइक का निकाल सकता हूँ. सो अब दोस्तों चलिए एक लाइटर नोट पे बात करते हैं. आप सबको पता है ये बजाज और ट्रायम्फ के कोलैबोरेशन से ये स्पीड 400 निकला है. सो इसमें सब कुछ जब ट्रायम्फ का है तो फिर बजाज का क्या है. सो ऑफकोर्स इसका असेंबली तो बजाज ने किया है लेकिन बजाज ने अपना नाम कहीं भी नहीं यूज़ किया है. सो कहीं ना कहीं तो बजाज का नाम होना ही चाहिए ना. सो आइए मैं आपको बताता हूँ बजाज का नाम कहाँ पर है. सो आप जब सीट को खोलते हैं सो यहाँ पर आपको मिलता है बजाज. जो फर्स्ट एड किट है वो बजाज का है और हम एक वाइब्रेशन टेस्ट भी इस बाइक के ऊपर करते हैं ताकि आपको पता लग सके कि ये वाइब्रेट कितना करता है. सो दोस्तों चलिए अब हम इसमें वाटर वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं ताकि एटलीस्ट आपको पता चल सके कि इस बाइक में कितना वाइब्रेशन है. देखिए वो तो आपको यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा टेस्ट राइड लेने के बाद. बट स्टिल इस वीडियो के थ्रू से कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का कोशिश हम करते हैं. तो देखिए इस बाइक में इतना वाइब्रेशन है. अगर हम एक्सेलरेशन दें सो दोस्तों ऑफ कोर्स इस बाइक में वाइब्रेशन ज़रूर है लेकिन उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है कि आपको फैटिक कर दे. It is very good for your city riding. It is very good for your simple and a bit long touring. But आप अगर खोज रहे हैं कि पूरा smooth आपको एक मिले zero vibration वाला bike मिले so ये वैसा नहीं है. आपको इसमें थोड़ा सा वो vibration वाला character
मिलता जरूर है। सो अब दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं कि फिर भी अगर आप ये बाइक ऑप्ट करें तो आपके लिए क्या पता कॉस्टली हो जाए, क्योंकि 2.5 लाख तो यूजुअली आप दे ही देंगे इस बाइक के लिए, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में कितने पैसे खर्चे होंगे। सो आपको एक और चीज़ बता दूँ, यू विल बी शॉक टू नो, इसका आफ्टर सेल सर्विस आपको एवरी 16,000 किलोमीटर पर कराना है, मतलब 16,000 किलोमीटर के बाद एक सर्विसिंग। सो आई थिंक ये इस बाइक के बारे में और इस इंजन के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ बोल देता है, जब आप इसको 16,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करके फिर आप सर्विसिंग कराते हो। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट, एंड इस इंजन का रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तभी 16,000 किलोमीटर तक इस बाइक को कोई सर्विसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक प्यार इस चैनल पर इसी तरह बनाए रखिएगा। बाय दोस्तों।